तो भाई साहब ये देख लो, ये है मुर्गा और ये जो छोटा कलगी वाला है ये है मुर्गी। तो दोनों में जो है रेट वगैरह क्या रहता है? सेम है। हाँ सेम रेट है। क्या रेट है, एक बार रेट भी बताइए। तो पर केजी ये जो बेच रहे हैं आंटी, क्या बोलते हैं इसको आप? झंडी मुंडी बोलते हैं मुर्गी का। मुर्गी का झंडी मुंडी। हाँ। वाह, क्या क्या रहता है इसके अंदर? इसके अंदर पैर रहता है, डेना रहता है, चमड़ी रहता है, कलगी कलगी। हाँ, चुंदी है। अच्छा, चुंदी है। उसके बाद और दूसरा पहचान है इसका, ये। और ये देखो देने का अपना तरीका बिल्कुल झारखंडी स्टाइल, सकुआ का हरा हरा पत्ता पे। इधर झंडी मुंडी तो दे रहे हैं आंटी, अभी बताइए ये बाजार कौन दिन लगता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम आपको लेकर आ चुके हैं रांची शहर से 150 किलोमीटर दूर जिले के सबसे बड़े बाजार को एक्सप्लोर कराने के लिए। और आज जो बाजार हम आपको दिखाने वाले, ये बाजार इतना बड़ा होने वाला है कि यहाँ पे घूमते घूमते सुबह से शाम हो जाएगा। और यहाँ पे मिलने वाली चीजें एक से बढ़कर एक है, जो कि और बाजारों में मिलना नामुमकिन सा होता है। तो इस बाजार को हम लोग काफी अच्छे तरीके से करने वाले हैं एक्सप्लोर, देखने वाले हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है और कुछ बढ़िया सा चखेंगे, उसका टेस्ट भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इस जगह के बारे में जान लेते हैं। तो अभी जिस जगह पे, जगह को बोला जाता है सिमडेगा, इसका थाना भी पड़ता है सिमडेगा, जिला भी इसका सिमडेगा होने वाला है। रांची से तो इसकी दूरी हमने बताई आपको, ये जो है राउरकेला से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये बाजार पहुंचना बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि ये बहुत फेमस है, कोई भी आपको यहाँ पे बता देगा। इनकेस अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो हम देंगे आपको गूगल मैप का लिंक, जिस पर आप क्लिक करके बहुत आसान तरीके से यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो गाइस, पता और ठिकाना बताने के बाद अब हम आपको लेकर आ चुके हैं बाजार में, बाजार को एक्सप्लोर कराने के लिए। और अभी जो है ना, बाजार लगना स्टार्ट हो गया और भीड़ भाड़ भाई साहब बढ़ना चालू हो गया। और इस साइड से जो एक्सप्लोर कराते हैं तो यहाँ पे जो है लाइन से हरा हरा साग सब्जी दूर तक बिक रहा है। यहाँ पे है खक्सी, क्या बोलते हैं आप? खक्सी है। कैसे दे रहे हैं, कैसे किलो? 100 रुपए किलो है, मतलब। अच्छा, लेने पे 80 कर देते हैं। तो ये नया है बोल के भी ऐसा दाम है? नहीं, तो भाई नया नया ये सब्जी आया है जिसके लिए इसका रेट ऐसा है। यहाँ पे है टोटी, कच्चू भी बोलते हैं ना इसको, कैसे दे रहे दीदी? ये भी 80 रुपए। तो भाई साहब ये भी 80 रुपए स्टार्ट जो है थोड़ा महंगा सब्जी से हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये तो शकरकंद है, लेकिन शकरकंद में ऐसे मोज दाढ़ी का है निकला हुआ है। अच्छा, रोपने के लिए आंटी? तो भाई साहब ये देख लो, ये जो शकरकंद देख रहे हो रोपने के लिए, इसीलिए जो इसमें जड़ निकला हुआ है। नहीं, कैसे दे रहे हैं इसको? 80 रुपए। तो भाई साहब आज जो है सब कुछ 80 रुपए मिल रहा है। पीछे जो है खक्सी, टोटी और उसके बाद शकरकंद। और यहाँ पे आंटी लेके बैठी है बरी। क्या चीज का बरी है? उड़द का, अपने से बनावल? कैसे खेजा? 20 रुपया। अच्छा, बड़ा वाला प्लास्टिक 50 का। ये यूट्यूब में डालते हैं, आदमी लोग जानेगा फिर बाजार घूमने आएगा तो बरी खरीदेगा, शकरकंद खरीदेगा, ऐसे है ना, हर बाजार बैठते हैं। बहुत बढ़िया। और अब आपको आगे लेकर चलते हैं और यहाँ पे देखो, सब्जी का खेजा तो है ही, लेकिन यहाँ है पुदीना का पत्ता भी। पुदीना ना है? कितना का खेजा दे रहे हैं? 10 रुपया। और नींबू उबू भी रखे हैं? नींबू नहीं रखे हैं। अच्छा, उधर अदरक वगैरह रखे हैं, तो वो भी 10 का ही खेजा है। तो भाई साहब 10 रुपए का खेजा मिलेगा। और बगल में जो है चूड़ा, क्या है? गोला धान का चूड़ा है? कौन सा? बैल, दैन। भाई साहब दैन धान का देखो, लाल लाल चूड़ा, कैसे दे रहे इसको? 25 रुपए पहला। 25 रुपए पहला गैन धान का मिल जाएगा। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पे बिक रहा है आम। तो ये क्या है, पीस पीस बना दे रहे दादा? हाँ, पीस पीस। घर में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े आदमी को, अचार के लिए? अचार के लिए खाली डालना हो, खाली बस मसाला डाल के तैयार कर लीजिए। कैसे दे रहे हैं वैसे ये आम? 30 रुपए दे रहे हैं। 30 रुपए कटिंग करके? कटिंग का चार्ज अलग भी है। अच्छा, कटिंग का अलग है। कटिंग का कितना रहता है? 10 लेते हैं किलो पे। किलो पे। तो भाई साहब यहाँ पे जो है, साइज रहता है तो 30 में ही काट के दे देते हैं। अच्छा, 30 में ही दे देते हैं। बड़ा रहता है तो कटिंग का लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो है भाई साहब, आपको जो है सुविधा भी मिल रहा है। और यहाँ पे दुकानदार कहाँ गए, आप ही है क्या? तो ये क्या है? है? नहीं नहीं, वो मशरूम टाइप का जो देख रहे हैं, मशरूम ही है वो, जामुन खुकड़ी बोलते हैं। जामुन खुकड़ी। हाँ। तो ये हर सीजन में मिलता है? हर सीजन में नहीं मिलता है,
बारिश आने पर मिलता। अच्छा, मतलब बारिश अगर गर्मी में भी हो जाए तो ही मिल जाएगा, क्योंकि हम बरसात में देखे हैं इसको। कैसे दे रहे हैं ये? दे रहे 400 रुपए किलो। 400 रुपए अपना महिला आदमी आ जाता है तो कम बेसी करके दे देते हैं। वाह, तो ये देख लो, ये है देसी वाला जामुन खुखड़ी, मतलब जब बरसात हो तब मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखो बोड़ा, तो बोड़ा दो कलर का है, एक लाल है एक हरा है। कैसे दे रहे हैं बोड़ा? 30 रुपए किलो। और जामुन खुखड़ी आप भी रखे हैं, कैसे दे रहे आप जामुन खुखड़ी? 80 रुपए पाव। तो भैया 80 रुपए पाव मिल जाएगा। और उसके बाद जो है ना आपको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे बादाम। ये देखो पहला पहला रखा हुआ है। कैसे दे रहे दीदी बादाम? 20 रुपया नया बादाम एकदम नहीं। तो ये देख लो नया। और भाई साहब ये वाला जो है मीठा मीठा भी लगेगा। और इस साइड पे जो है आपको हम दिखाने वाले हैं सुखल मछली, जो कि खेजा खेजा रखल है। कैसे है काकी खेजा? 20 रुपया क्या है? पोठिया है? पोठिया है, इचना है। और उसके बगल में आपको ये दिखाएंगे, क्या बोलते हैं इसको? कसैर कंदा। तो भाई पिछले बाजार में हमने एक बार देखा था तो हम बोल रहे थे इसको केसर केसर तो केसर नहीं कसैर कंदा नहीं। कैसे खेजा? 10 रुपया तो ये क्या काम में आता है थोड़ा आप बताइए ना। दवाई जैसा है? अच्छा, नहीं हमको पता है कि पेट ठंडा करता है, सही बात है। तो भाई साहब ये जो है कसैर कांदा पिछले बाजार में हमने देखा था और पेट ठंडा करने का काम में आता है। और इधर भी जो है ठंडा करने का चीज है ककड़ी। कैसे ककड़ी आंटी? 20 रुपया किलो। भाई देख लो क्या सस्ता रेट है, 20 रुपए किलो एकदम ताजा ननका ककड़ी। और उसके बाद इधर देखो गोल मटोल तरबूज बिक रहा है। कैसे है दीदी तरबूज? 70 रुपए किलो। नहीं, एक पीस। एक पीस, अच्छा मतलब पीस का रेट बता रहे ना। कितना होगा वजन? वजन नहीं तो अंदाज 5 किलो हो जाएगा? नहीं, 5-5.5 किलो मात्र 70 रुपया, मतलब 200 रुपया से कम पड़ा ना। तो भाई देख लो मतलब इस बाजार में जो आपको चीज हर कुछ मिलेगा और रेट भी एकदम जेन्युइन है। और इस साइड पे जो है आपको हम दिखाने वाले हैं वो चीज जो कि आपने पहले भी देखा हुआ लेकिन यहाँ प्लास्टिक में पैक है। क्या रखे हैं इसके अंदर आका की? कटहल कोवा पक्कल वाला है? पक्कल वाला नहीं है, लेकिन गदरा वाला है, मतलब इसका बिज्जा का सब्जी बनेगा निकाल के। भाई बड़ा मजा आता है, भुसुर भुसुर करता है खाने में, है ना। कैसे दे रहे हैं? 20 रुपए किलो। और यहाँ पे आम, ये क्या कच्चा आम? कैसे कच्चा आम? कच्चा आम को 40 रुपए दे रहे हैं। तो 40 रुपए भाई साहब आपको कच्चा आम मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो ये क्या बोलते हैं इसको आंटी? हैं अमड़ा। कैसे अमड़ा? 30। तो भाई ये जो है ना अमड़ा है, नाम हमको मालूम था, हमको लगा कि कुछ और बोलते होंगे इधर अमड़ा। इसका चटनी भी बनता है और इसका अचार भी बनता है। नहीं, ये एक नंबर चीज है, मतलब ये बाजार में जो है ना चीज देखकर आपका दिल खुश हो जाने वाला है। और साग सब्जी ताजा ताजा फल ये सब देखने के बाद आपको हम वो चीज दिखाने वाले हैं जो बहुत कम बाजार में दिखता है। और एक चीज तो ऐसा है जो कि हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ये तो देख लो, ये तो आपका चींटी का अंडा जिसको डेमटा हाउको और क्या बोलते हैं, हाउको बोलते हैं ना, तो ये तो पता है। ये क्या है बताइए तो? अच्छा क्या बोलते हैं? हाँ क्या बोलते हैं उसको? हाँ ये तो पता है, ये वाला पूछ रहे, बड़ा वाला जो ये पंख वाला, उसका भी नाम हाउको ही है। अच्छा तो भाई साहब ये जो देख रहे हो ये अंडा है और ये है एडल्ट वाला, बड़ा वाला नहीं, जवान होने के बाद ऐसा दिखता है। तो भाई ये देख लो यहाँ पे जो है ये चीज हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। कैसे दे रहे दीदी इसको खेजा? 20 रुपया ये देख लो, 20 रुपए खेजा ये मिलेगा। और इसका हमने सुन रखा है कि मेडिसिनल बेनिफिट भी है, दवाई जैसा काम करता है ना। क्या चीज में काम आता है? क्या चीज में? अच्छा नहीं पता है आपको? ये तो पता है मेरे को कि मलेरिया वगैरह में जो है काम आता है, लेकिन इसके बारे में अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट करके बताओ। और अब जो है ना इधर ले जाते हैं आपको पर्दे के पीछे। ये देखो यहाँ पे जो है सारा लोकल और देसी आइटम बिक रहा है। ये क्या है लाल वाला? कुद्रुम, सूखा वाला नहीं, ये है साग। क्या साग है? ये सरला। और ये वाला सारू साग है। सारू
ये सरला, कुर्थी दाल, मुनगा गुड़ा, माठा गुड़ा, ये बादाम, खजूर, ये देख लो। मतलब भाई साहब ये सारा चीज जो है ना आपको इसी तरह के देसी बाजार में मिलेगा। और खजूर देख लो, मस्त गांच का पका हुआ लाल लाल, कितना का खेजा? 10 रुपया। तो मतलब सब बिक गया, एक ही बच रहा है? इतना ही है। तो भाई साहब ये एक बच रहा है और देखकर बड़ा बढ़िया सा लग रहा है। और अब हम आपको लेकर आ चुके हैं हैंडीक्राफ्ट आइटम दिखाने के लिए। और भाई यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट आइटम दिख रहा है ना, ये सब पीले पीले कलर का दिख रहा है। मतलब पूरा कलर करके बढ़िया से बनाकर रखा हुआ है। सूप बिक रहा है और ये इसको क्या बोलते हैं? नाचू, धानगुना नाचू। और ये है सूप, कितने का सूप? 120। और नाचू कितने का? 220। तो भाई साहब नाचू और सूप दोनों का रेट हमने बताया। यहाँ पे भी जो है देखो नाचू बिक रहा है, यहाँ पे सूप है। आप कितने में दे रहे थे नाचू? 200 मैंटी। तो ये पीला रंग से किए हैं इसको? अच्छा, जलेबी रंग। तो भाई ये देखो जलेबी रंग से रंगा हुआ है, शादी ब्याह में ये सब काम में आता है। और दूर तक आपको देखो दिखने वाला है। इस साइड पे भी देखो वही है, नाचू है, सूप है। इसको क्या बोलते हैं छोटा वाला को? दौरी दौरा। दौरी दौरा। ये दोनों का जोड़ी है क्या? नहीं नहीं नहीं, शादी वाला इधर है। शादी वाला इधर है, ये देखो। अरे वाह, इसको क्या? ये पंखा? अच्छा, ये चेहरा छुपाने वाला है। और ये छोटा वाला? लावा छिटने का। अच्छा वाह, तो ये देख लो। दाम भी बता दीजिए ना, अगर किसी को लेना हो तो रेट भी मालूम हो। 250 रुपये में पूरा सेट। और ये इसका? हाँ हाँ, ये तो अलग हो गया ना। हजार, दोनों का 1000 की, 1000 दोनों का 1000। अच्छा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा 1000 रुपया में। तो रेट फिक्स रखते हैं कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट देते हैं? मतलब थोड़ा बहुत कम कर देते हैं। वाह, तो भाई साहब ये चीज जो है ना हमने पहली बार देखा है, मतलब शादी का पूरा कंप्लीट सेट। और इस साइड पे जो है लाइन से आपको दिखने वाला है सिर्फ और सिर्फ हरा हरा सखुआ का पत्ता। ये देखो सखुआ का पत्ता और सखुआ का पत्ता का पत्तल। कैसे दे रहे हैं इसको? 100 रुपये में। और ये पत्ता खाली 10 रुपये में। तो भाई इसमें क्या है, मेहनत लगता है, एक एक को जोड़ा जाता है, तब जाके इसका जो है 100 रुपया आपको लग रहा है। और इधर पे देखो सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे साग भी रखे हुए हैं। क्या साग है ये? क्या बोलते हैं साग को? बेंग साग। अच्छा, बेंग साग। और ये क्या चीज का गुणा है? अच्छा, इनका है क्या गुणा रखे हैं दीदी? रानू। अच्छा, रानू बनाने में काम आता है क्या? हाँ। तो भाई आज तक हमने रानू दिखाया है आपको, लेकिन ये देखो उसका रॉ मटेरियल जिससे रानू बनाया जाता है। क्या बोलते हैं वैसे इसको? क्या? धुप्पी। देख लो भाई साहब, धुप्पी बोला जाता है। मतलब इस बाजार में बहुत कुछ नया नया देखने को मिल रहा है। और इधर पे जो है लाइन से दुकान लगा हुआ है रानू का। ये देखो क्या रानू है ये, हड़िया की महुआ, हड़िया रानू। कैसे देते हैं? 1 रुपये, एक में एक की एक में दो? दो। तो भाई साहब 50 पैसे ये मिल जाएगा इनके पास। खत्म हो गया आपका? खत्म हो गया आंटी? अच्छा, तो अब घर जाएंगे? तो भाई जब हम आपको लेकर आ चुके हैं बाजार के उस छोर पे जहाँ पे मिलने वाला है आपको वो आइटम जो कि और किसी बाजार में नहीं मिलता है। ये जो आप देख रहे हो ना काला काला तंदुरुस्त और हट्टा कट्ठा मुर्गी, ये है भाई साहब आपका भैया बताएंगे कड़कनाथ। कड़कनाथ, ये कड़कनाथ प्योर देसी वाला कड़कनाथ? हाँ दादा। हाँ हाँ, तो थोड़ा बताइए ना इसके बारे में, मतलब किस हिसाब से क्या है, कितना दिन का ये लोग है? ये 5 महीना का है। 5 महीने का है सारा? हाँ। ये बड़ा मोटा वाला? ये 5.5 महीना का। 5.5 महीना का है। तो इसमें मुर्गा मुर्गी दोनों है? हाँ, दोनों है। कैसे पहचानेंगे कि मुर्गा एक मुर्गी? ऊपर से कुछ है पहचान इसका? जो ये कलगी। कलगी। हाँ, और चुंदी है। अच्छा, चुंदी है। उसके बाद और दूसरा पहचान है इसका, ये चीनी का पोर्शन। अच्छा, छेनी का पोर्शन। हाँ। मतलब जैसे लड़ाकू वाला होता है तो बांधने का काम में आता है, वैसा निकलेगा ना? हाँ। तो भाई साहब ये देख लो, ये है मुर्गा और ये जो छोटा कलगी वाला है ये है मुर्गी। तो दोनों में जो है रेट वगैरह क्या रहता है? सेम है। सेम रेट है। हाँ। क्या रेट है एक बार रेट भी बताइए। पर केजी 700। पर केजी 700 रुपया।
तो ये कहीं से लाते हैं कि खुद का फार्म है? खुद का फार्म है। और बाजार में जो है लाके आप बेचते हैं? बेचते भी हैं। हाँ। तो कोई अगर बाजार के अलावा लेना चाहे आपके पास तो फार्म में भी मिल सकता है? फार्म में मिल जाता है। हाँ। क्या है आपके फार्म का एड्रेस? ठाकुर टोली सिमडेगा। अच्छा, और अपना नंबर भी बता दीजिए। 9470 ओके 9783 56। तो ये नंबर है आपका? हाँ। इस पे कांटेक्ट करने से मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। और इसके अलावा अंडा भी रख रहे हैं? हाँ, तो ये अंडा कड़कनाथ का अंडा है? कड़कनाथ का अंडा है। हाँ। तो ऐसा दो कलर क्यों है थोड़ा बताइए इसके बारे में, मतलब एक तो डार्क है एक तो वाइट। वाइट ये नेचुरल है इसलिए आपका दो कलर में होता है इसका। अच्छा, मतलब निकलते रहता है? हाँ। आदमी लोग जो बोलता है कि कड़कनाथ का अंडा काला होता है, गलत बात है? गलत बात है, काला अंडा नहीं होता। नहीं, नहीं। अंडा देसी जैसा होता? हाँ, है। देसी जैसा है। तो भाई साहब यहाँ पे जो है हमने पहचान भी करी मुर्गे की और मुर्गी की, क्योंकि भाई साहब इसमें जो है ना लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ओरिजिनल को लेकर। और यहाँ पे अगर आप खरीदना चाहते हो तो भैया का सारा डिटेल भी जो है आपको वीडियो में मिलने वाला है। तो गाइस पूरे बाजार को एक्सप्लोर करके अपना हालत हो चुका है खस्ता, और देख सकते हो अभी हम लोग आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे भाई साहब लोग आराम कर रहे हैं, और अभी आपको अपना हाल दिखाते हैं। तो ये देखो पूरा पसीना पसीना और एकदम मतलब ऐसा हो चुका ना, अब चलने का इच्छा नहीं कर रहा। और हम पहुँच चुके हैं अभी एक ऐसे जगह पे जहाँ पे भाई साहब आपको खाने का बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज़ मिलता है, और बेच रही हैं आंटी जी। यहाँ से देख लो ये सब तो चना वगैरह अंडा हर जगह मिलता है, मछली भी आपको हर जगह दिखेगा, लेकिन ये आइटम मतलब ये आइटम लिटरली ही कहीं आपको दिखेगा। तो ये जो बेच रहे हैं आंटी, क्या बोलते हैं इसको आप? झंडी मुंडी बोलते हैं मुर्गी का। मुर्गी का झंडी मुंडी, वाह क्या क्या रहता है इसके अंदर? इसके अंदर पैर रहता है, देना रहता है, चमड़ी रहता है। चमड़ी रहता है, पचौनी भी दिख रहा है? वही तो बोल रहे हैं। अच्छा, सब उसका मिला के बनाते हैं? मिला के। तो यहीं पे बनाते हैं, घर से लाते हैं बना के? यहीं पे बनाते हैं। तो भाई साहब ये देख लो आंटी के पास चिकन का ये स्पेशल झंडी मुंडी आइटम मिलता है। अब हमको रेट बताइए कैसे देते हैं झंडी मुंडी? 20 का 40 का 30 का तौल के कि ऐसे अंदाजे? हाँ। ऐसे अंदाज देते हैं? नहीं, अंदाजे से देते। अच्छा, कम से कम 20 का? 20 का। तो भाई साहब 20 का कम से कम मिलेगा। एक बार थोड़ा चलाइए ना इसको, दिखाइए ना चला के। बड़ा गजब का दिख रहा है, एकदम मसाला से लटपटाया हुआ। और ये देख लो तो बनाते बिल्कुल साफ सुथरा करके? हाँ, पूरा साफ सुथरा। वाह, तो भाई ये देखकर अपना मन खुश हो चुका था। ऐसा कीजिए ना हमको भी दे दीजिए थोड़ा ये वाला झंडी मुंडी। और ये देखो देने का अपना तरीका बिल्कुल झारखंडी स्टाइल, सकुआ का हरा हरा पत्ता पे इधर झंडी मुंडी तो दे रहे हैं। आंटी अभी बताइए ये बाजार कौन दिन लगता है? बीफे और सोमार। और आप हर बाजार में बैठते हैं? तो भाई झंडी मुंडी खाना चाहते हैं तो आंटी के पास आओ और झंडी मुंडी खाओ। तो गाइस अपने जो है झंडी मुंडी खरीदने के बाद आ चुके हैं लेके अपने टेबल पे। और भाई साहब ये झंडी मुंडी जो है ना, मतलब नाम तो अलग है, दिख भी अलग रहा है, और मेरे को बड़ा बढ़िया सा लग रहा है देखकर इसको। एक बार क्लोज लुक देते हैं और दिखाते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देख लो पंजा है, पंजे के बाद चमड़ी है, ये देखो। उसके बाद क्या है? तो भाई इसमें डैना भी है, ये देखो। डैने के बाद आपको दिखाएंगे पचौनी। निकल जा भाई निकल, ये देख लो पचौनी। मतलब देखकर ऐसा है ना कि साफ सफाई बढ़िया सा लग रहा है, बनाया ढंग से है, लुक एक नंबर है। तो भाई झंडी मुंडी का हमने नज़ारा तो आपको दे दिया, दिखा दिया क्या क्या इसमें पार्ट पुर्जा है। अब ना खाना स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा इसका स्वाद है। हालांकि दिख तो बड़ा लजीज सर है। स्टार्ट करते हैं इससे, चमड़ी से। और चमड़ी भी भाई ऐसा नहीं है, देखो रोगन पूरा इससे नीचे गिर रहा है और एक एक बाल इसके ऊपर से हटाया हुआ है। साफ सफाई बड़ा बढ़िया सा है। मतलब हमने जैसा उम्मीद करा था ना कि जिस हिसाब से इसका टेस्ट होगा, लेकिन भाई साहब टेस्ट उससे बढ़कर है। बनाया हुआ बहुत अच्छे तरीके से, मसाला वगैरह अच्छे से डालकर बढ़िया से खर कर कर भूजा हुआ है, तेल वगैरह सब बहुत अच्छे से डाला हुआ है। मतलब जनरली क्या है कि चमड़ी खाने में थोड़ा सा लगता है कि कहीं बाल वगैरह हो, लेकिन इसमें पूरा चकाचक और क्लीन था। अब पचौनी का बारी है, छोटा सा टुकड़ा है ये देखो। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया, मतलब पचौनी भी खा रहे तो कोई ना ही बैड स्मेल है और ना ही कोई बैड टेस्ट है। मसाला वगैरह क्या है ना कि वैसा है नहीं कि निकाल के चखा जाए,
सब कुछ जो है सब में मिक्स है। बढ़िया टेस्ट है। अब डायना मतलब मीट तो डायना में कम है लेकिन टेस्ट से भरपूर है, खा के सच्ची में बड़ा बढ़िया लग रहा है। और रेट के हिसाब से तो ये बहुत सही था। जनरली होता गया कि बाज़ार में जो लोग आए और जहाँ से हमने ये ख़रीदा है ये मुख्य रूप से चखना है। टेस्ट है बढ़िया, खाकर अच्छा लग रहा है। तो इसमें बहुत सारा बचा हुआ है, इन सबको हम धीरे धीरे करने वाले ख़त्म, क्योंकि भाई साहब गर्म बड़ा तगड़ा सा लग रहा है। तो वीडियो को फिलहाल हम यहीं पर एंड करने वाले हैं। और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, या फिर काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से ढूंढ ढूंढ कर बढ़िया से बढ़िया जगह आपको दिखाते रहे। तो मिलते हैं कल कुछ कहीं और कुछ नया सा लेके, तब तक ले टेक केयर, बाय।